वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई बाय दीपिका। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक्सोटिक कपकेक पाइनएप्पल फ्लेवर में। उसके लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं 90 ग्राम ऑफ मैदा, 20 ग्राम ऑफ कस्टर्ड पाउडर, 30 ग्राम्स ऑफ बटर, 80 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर एंड 90 ग्राम्स ऑफ मिल्क। सबसे पहले हम डालेंगे अपना बटर, हम उसमें डालेंगे अपना आइसिंग शुगर और इसको अच्छे से विस्क करेंगे। हम डालेंगे अपना हाफ मिल्क, आप अगर इसमें बटर यूज नहीं करना चाहते तो आप इसमें ऑयल भी यूज कर सकते हैं, पर वो कोई फ्रेग्रेंस वाला ऑयल ना हो, लाइक सरसों का तेल वगैरह या नारियल का तेल नहीं यूज करें, सिंपल रिफाइंड ऑयल यूज करें। अब इसमें जाएंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, 90 ग्राम हमारा मैदा है और 20 ग्राम हमारा कस्टर्ड पाउडर है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा हमारा 1/4 एंड 1/8 जाएगा टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर। उसके बाद 1/4 हमारा जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। इसको हमें अच्छे से सीव करना है। इसमें हम ऐड करेंगे अपना पाइनएप्पल एसेंस, जो कि मैं फैब ब्रांड का ले रही हूँ, जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स। और इसमें हम थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे अपना, थोड़ा सा कलर करने के लिए इसको, जस्ट अ पिंच। इसको हमें अब एक की स्पीड पे करना है, 10 सेकंड्स के लिए विस्क करना है। अब हम यूज करेंगे अपना कट एंड फोल्ड मेथड। अब इनको हम अपने कपकेक्स लाइनर्स में फिल कर लेंगे। आज मैं यूज कर रही हूँ ये बेक एंड सर्व वाले कपकेक लाइनर्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये सिलिकॉन वाले भी यूज कर सकते हैं, जो ये भी बेक एंड सर्व होते हैं। अगर वो भी नहीं है तो ये कपकेक लाइनर आते हैं, इसको कटोरी के अंदर लगा के आप सर्व कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल एक कटोरी, स्टील की कटोरी लेके उसको ऑयल कर लीजिए और उसको आप बेक करने डाल दीजिए। यहाँ पे मेरा ओटीजी 10 मिनट्स प्रीहीट हो रहा है 180 डिग्री पे विद बोथ रोड ऑन। कन्वेक्शन मोड पे अगर आपको बेक करना है तो भी 10 मिनट्स प्रीहीट 180 डिग्री। अगर अब हम अपने कपकेक को फिल करेंगे, इसको आपको 3/4 से ज्यादा नहीं फिल करना है। अब मेरे लाइनर फिल हो गए हैं, हम इनको एक टैप करूंगे अच्छे से और ये हमारे जाएंगे प्रीहीटेड ओटीजी में बेक होने के लिए 15 to 20 मिनट्स 180 डिग्री पे विद बोथ रोड ऑन, जिसे हम टोस्ट मोड भी कहते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ, इसके बाद क्या है, उसके बाद हम इसकी आइसिंग करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कि हमारे कपकेक बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, बिल्कुल मॉइस्ट है। अब हम करेंगे इसकी आइसिंग। आइसिंग के लिए हम लेंगे आधा कप हमारी व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, रिच की, ट्रॉपेलाइट, मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ट्रॉपेलाइट प्रीमियम। हम व्हिप करेंगे तो 5 to 7 मिनट्स स्टिफ पीक होने तक। पहले हम इसे करेंगे 30 सेकंड्स के लिए नंबर 1 स्पीड पे, उसके बाद हम इसको करेंगे अपनी फुल। हमारी ये पीक स्टिफ हो गई हैं, ये खड़ी पीक्स हैं, बिल्कुल कोई बेंडिंग नहीं है। तो अभी हमारी व्हिपिंग क्रीम हम अपने कपकेक्स के अंदर फिलिंग करेंगे। टिल देन अब व्हिपिंग क्रीम को फ्रिज में रखी है, तो रख रही हूँ फ्रिज में, आपको अब इसकी फिलिंग दिखाती हूँ कपकेक। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ माला ब्रांड का पाइनएप्पल क्रश, जो कि हम एक बॉल में ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बीच में एक होल करेंगे, होल करके राउंड करके आप इसको निकाल लीजिए। इसके अंदर हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे अपने क्रश की और ऊपर से जो हमने वो बाहर निकाला था उसको वापस से ढक देंगे। ऐसे हम अपने सारे कर लेंगे। ये हमारे सारे फिल हो गए हैं। अब मैं ला रही हूँ अपनी व्हिपिंग क्रीम फ्रिज से बाहर। इसमें हम डालेंगे अपना येलो कलर 1 ड्रॉप, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे अपना पाइनएप्पल एसेंस, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप। बहुत ज़्यादा एसेंस मत ऐड कीजिएगा, वरना आपकी क्रीम बिटर हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। और जब भी आप यूज़ कर रहे हैं फैब के, मैजिक के, कलर मिस्ट के, इनके ही एसेंस यूज़ करिए, लोकल ब्रांड मत यूज़। ऐसे पाइपिंग में हम इसे फिल करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे अपने नोज़ल, यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लावर नोज़ल। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेन वाले से, प्लेन वाले से आपको करना है ऐसे।
ये आ गया आपका प्लेन वाला। बनाएंगे अपनी फ्लावर नोजल से डिजाइन। ये आपका एक डिजाइन देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें फ्लावर का लुक आया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन पे क्लिक करके, तो आपको जो फर्दर रेसिपीज आएंगी वो भी आपको देखने को नोटिफिकेशन में आ जाएगा। थैंक यू।